में हमने चर्चा की थी कि अब की बार हम फॉर्म की क्लास चालू करेंगे ऐसा, और इसके पहले डेटा टाइप वगैरह के बारे में और वो होते हैं ना फॉर्मूले, उसके बारे में कुछ बताया था आपने। तो चलिए आज हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस। एमएस एक्सेस डेटाबेस में हम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं फॉर्म्स। शुरुआत में जब मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में क्या क्या एक्सेस के अंदर क्या क्या होते हैं, तो मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। सबसे पहला बताया था, वो बताया था आपको टेबल जिसमें हम डेटा स्टोरेज करते हैं। दूसरा था दूसरा फॉर्म है, तो दूसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म। लेकिन हम पहली पार्ट टेबल को पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स। टेबल में अभी कुछ और इंक्वायरी है सर, कंप्लीट नहीं है टेबल पार्ट। हाँ, टेबल पार्ट मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है, आपके हिसाब से क्या बचा है बताइए, बता देता हूँ आपको मैं। हाँ, रिलेशनशिप वो टेबल पार्ट्स में कवर होगा या कि उसका अलग है? रिलेशनशिप क्वेरी पार्ट का है। अच्छा, तो टेबल में मुझे कोई ऐसी फील्ड क्रिएट करनी हो जो यूजर नेम पासवर्ड वगैरह बराबर, वो आपकी तो ऊपर है, वो प्रोटेक्शंस में, किसमें होगा वो? मतलब क्या यूजर नेम पासवर्ड के ये करना चाहते हैं, लिस्ट बनाना चाहते हैं? हाँ हाँ जो टेबल होता है कस्टमर का बराबर, तो उसमें हम उसका यूजर नेम और पासवर्ड भी होगा और वो लॉगिन भी होगा। हाँ, वो मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए, वो इसके लिए आएगा। जैसे आप एक्सेल एक्सेस खोलोगे, आप खोलते हैं सबसे पहले आपको यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद आप टेबल खोल एक्सेस में खोल पाओगे। अच्छा ठीक है, उसकी वो वैलिडेशन की ठीक है। क्लासेस जब मैं कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा। अच्छा, और दूसरा कैलकुलेटेड फील्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जिसमें मुझे इसके अंदर क्वायरी चलानी हो तो चलेगी कैलकुलेटेड फील्ड में, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस बराबर, तो नया ट्रांजेक्शन करते समय ओपनिंग बैलेंस कौन सा है, तो पहले के वो कस्टमर के सारे के ट्रांजेक्शन हो गए इसका प्लस माइनस हो के उसका ओपनिंग बैलेंस प्लस में है तो ओपनिंग बैलेंस आए, और माइनस में है तो माइनस में आए, ऐसा तो ऐसी कैलकुलेटेड फील पॉसिबल है तो कैसे पहले आप आगे? क्वेरी पढ़ेंगे, उसके बाद में फील पढ़ेंगे। हाँ जी, पहले हम क्यूरी को पढ़ेंगे, उसके बाद में सब चीज को अच्छा पढ़ेंगे। अभी थेरी है। नहीं, आपको आप बोला है कि मैं एक टेबल में क्यूरी लगा सकता हूँ, तो पहले मैं क्यूरी पढ़ना होगा ना। हाँ 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 ठीक, ये जो चीजें है ना, ये चीजें जो है आपको हम आगे बढ़ाएंगे जब विषय हम अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसका लेवल वन। ठीक है ना, लेवल वन में हम आपको पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं हर चीज से, जैसे टेबल से इंट्रोड्यूस कराया, फॉर्म से इंट्रोड्यूस किया कराया, क्यूरी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फिर उसके बाद हमारा आएगा लेवल टू जिसमें हम बात करेंगे यूटिलिटीज का। मतलब कि हमने एक्सेस को जान लिया, अब हम एक्सेस को हम अपने काम के अकॉर्डिंग कैसे इस्तेमाल करेंगे, समझ गए? अब मैं आपको टेबल समझ गया। पढ़ाते समय क्यूरी पढ़ाने लगूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फिर क्यूरी पढ़े या टेबल पढ़े। समझ गया, चलो। हाँ, पहले हम जो है इसकी लेवल वन को पढ़ते हैं, जिसमें हर एक टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे, फिर हम लेवल टू हम पढ़ेंगे वर्क वाइज, जिसमें आपको लेवल वन में जो आपने सीखा है उसको आप अपने ऑफिशियल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग यूज करना सीखेंगे, राइट? हाँ, अब चलिए हम डिस्कस करते हैं आज की क्लासेस में फॉर्म के बारे में। ठीक है, जैसे कि टेबल का काम होता है डेटा की एंट्री, डेटा की स्टोरेज के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मुझे डेटा एंट्री करना हो तो मैं टेबल के जरिए टेबल में भी जाके एंट्री कर सकता हूँ नीचे, जैसे कि हम एक्सेल सीट पे करते हैं उस तरह से हम एंट्री कर लेंगे।
एंट्री करना होगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जो टेबल को मैं एंट्री करेगा वो पूरी टेबल को एक्सेस करेगा, और दूसरी इसमें रिलेशंस वैलिडेशंस वगैरह नहीं होगा। मैं बहुत सारे वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ या कम एंट्री करना चाहता हूँ, उस केसेस में जो सिंप्लाइजेशन वगैरह नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस चीज में हम फॉर्म का एंट्री करते हैं ताकि हम वन बाय वन एक प्लस एंट्री करें और एक बैकर में डेटा स्टोर होता चला जाए। तो फॉर्म दो तरह के होते हैं, सिंपल फॉर्म और एक डिजाइन फॉर्म। सिंपल फॉर्म जो कि जैसे कि हमने फॉर्म पे क्लिक किया और हमारा टेबल जिस टेबल को जो सिलेक्टेड टेबल था उस सिलेक्टेड टेबल के अकॉर्डिंग मेरा फॉर्म जनरेट हो गया, बन गया, और जनरेट होने के बाद ऑटोमेटिकली वो उससे लिंक भी हो गया, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूं और यस कर देता हूं, नीचे आके फॉर्म आ गया। अब डबल क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक वन बाय वन सारा टेबल सीट का डेटा दिखेगा। यहाँ न्यू पे क्लिक करा जाऊंगा तो यहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ कि जैसे कि ओम, यहाँ पे डेट डेट को सिलेक्ट कर लिया, डिपार्टमेंट डाली, ठीक है। अब ठीक ए एंट्री हो गई, जैसे मैं टैब मारूंगा या फिर न्यू एंट्री भी क्लिक करूंगा ये मेरा टेबल में स्टोर हो जाएगा। जो आज सीट वन का टेबल है उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ सबसे लास्ट में वो एंट्री आ गई ना उनकी, हाँ ठीक है। तो ये वन बाय वन एंट्री यहाँ से हम करेंगे जो कि बाय डिफॉल्ट लिंक होगा, और यहीं पे हम सर्च भी कर सकते। मान लीजिए मुझे सर्च करना है पुणे को, देख रहे हैं ना, जैसे मैं यहाँ सर्च करूंगा आ जाएगा। तो मतलब कि एक तरह से क्या हुआ कि ये टेबल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन एक एक करके, ठीक है ना, एक एक वन बाय वन एंट्री करके टेबल को कर रहा है, समझ गए, समझ गया। ओके, तो इसी में अगर हम क्रिएट में चलते हैं तो इसमें हमारा फॉर्म है। डिजाइन फॉर्म में क्या होता है, हम खुद बनाते हैं। ब्लैंक फॉर्म, एक ब्लैंक फॉर्म मिल जाता है, ये ब्लैंक फॉर्म मिल गया और यहां से हम अपने हिसाब से जो जो चाहिए वो चीज हम यहां रख लेते हैं, ठीक है ना, उठा के अपने हिसाब से। हुआ कि मुझे होता ही है ना कि आपके टेबल में कैलकुलेशन लगा हुआ है, ठीक है, और आपके कैलकुलेशन में क्या है कि दो तीन चीज ही एंट्री करनी होती है, बाकी सारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। तो आप टेबल फॉर्म एंट्री करते समय आप वही तीन चीज ही सिर्फ चाहते हो, तो वही सब तीन फील्ड ले लो सिर्फ, बोल समझ में आया, आया समझ में आया नहीं आया, समझ रहा हूँ, समझ गया, मैं अभी समझा देता हूँ, चलिए रुकिए मैं एक बार टेबल डिजाइन करता हूँ। यहाँ पे डिजाइन फॉर्म हम कब लेते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, और चलिए रिलेशनशिप भी आपके इसी में समझा देता हूँ। मैं सेव का एंट्री करना चाहता हूँ, जाइए टेबल, एक मिनट न्यू डेटा लेता हूँ, इसमें सही रहेगा। एमएस एक्सेस में बना हुआ डेटाबेस सर वेब में भी चल सकता है, कोई वेब एप्लीकेशन हो इसमें भी? नहीं, डेटाबेस एक्सपोर्ट करने के बाद चलेगा, एक्सपोर्ट करने के बाद चलेगा, माई एसक्यूएल में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ऐसा होगा, उसको नोटपैड में एक्सेल में ऐसे डेटा में इम्पोर्ट करना पड़ेगा। डेट, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट ले दिया, ठीक है, अब डेट में एक मिनट, डेट है ना यहाँ पे, यहाँ मैं देता हूँ परचेजिंग डेट पी डेट, और मैं चाहता हूँ डेट ऑटोमेटिकली सिस्टम का आना चाहिए, राइट। तो यहाँ कैलकुलेटेड को सेलेक्ट करूंगा
और यहाँ पे फंक्शंस में, इनबिल्ट फंक्शंस में, डेट एंड टाइम में देखिए आपके पास एक डेट का फॉर्मूला होगा, नहीं है डेट डे टुडे टुडे मार्क, क्या डे नहीं डेट का फॉर्मूला होना चाहिए जो करेंट सिस्टम डेट देता है। अच्छा ये इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको इसको सपोर्ट नहीं करता एक्सेस डेट आवर मिनट मंथ नेम सेकेंड सीरियल। लगा के देखता हूँ, जाइए यार। इसमें तो देख, इसके वीवीए फॉर्म जो है, फॉर्म में तो वर्क करता है, डेट का फॉर्मूला ही वर्क करता है और नाउ का फॉर्मूला ही वर्क करता है, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। जरूरी तो है वो होना तो चाहिए। एक मिनट दीजिए, मैं देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ इस पर, एक मिनट। तो एक और टेबल क्रिएट करता हूँ, एक मैं बता रहा था, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया था। तो हमने क्या किया, करेंट सिस्टम डेट के लिए टुडे का फॉर्मूला, डेट का फॉर्मूला नहीं ले रहा था, तो हमने पी डेट के आगे डेट एंड टाइम लिखा और यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू में से डेट का फॉर्मूला ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने बाकी चीज कैलकुलेट करके क्रिएट कर दिया। अब टेबल लेते हैं, अब इस टेबल को हम डिजाइन मोड में पहले ओपन करेंगे और इसको सेव करेंगे, मान लीजिए इसके नाम से, प्रोडक्ट पी आर के नाम से, ठीक है। पी आर में क्या होगा कि प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसके बाद पी साइज, प्रोडक्ट की साइज क्या है, और स्टोरेज, नहीं किसमें नहीं स्टोर स्टोर है, या फिर यहाँ स्टोर किसमें स्टोर कर देते हैं, टेक्स है। यहाँ पे हम देते हैं स्टॉक, कि स्टॉक क्या है, समझ गए, स्टॉक हमारा नंबर हाँ इसको सेव करते हैं। उसके बाद एक और टेबल यहां क्रिएट करता हूं मैं, जो कि कस्टमर के लिए होगा, ठीक है। अब यहां पे देते हैं सी नेम, कस्टमर का नेम, एक सेकंड, सिटी,
ठीक और ये हो जाएगा लिमिट। अब हेलो, हाँ अंदर कोई डेटा एंट्री करते हैं। उसमें अगर नेम मैंने दे दिया यहाँ पे पूजा, सिटी दिल्ली, लिमिट हमने बोला 5200, 52,000। नीरज पुणे मोहन ओम असिया नोएडा संगीता मोहन हमने एक छोटा सा डेटा बनाया किसका, कस्टमर का। अब हमारा प्रोडक्ट भी सेम है तो प्रोडक्ट के भी साइज कुछ बना देता हूँ। डीवीडी पी साइज स्टोर फिजियन स्टॉक में यार। बात हुआ, जब इसमें एंट्री करते हैं तो टेबल में एंट्री करेंगे तो इसमें क्या है कि यहां तक तो मुझे कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये इसके बाद जो इस सब की एंट्री करने की, इसकी एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं फॉर्म बना, अगर मान लीजिए मैं वो फॉर्म बनाता हूँ, क्रिएट फॉर्म करता हूँ, नॉर्मल फॉर्म करता हूँ, तो इसमें क्या होगा, हर एक पार्ट आएगा, हर एक पार्ट में हाँ एंट्री करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे यार फॉर्म ना बना के हम लोग लेते हैं ब्लैंक फॉर्म, ठीक है। ब्लैंक फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पे हम अपना टेबल लेते हैं, कौन सा टेबल, तो मेरा टेबल 1 है, और इसमें से हम लोग क्या करते हैं, ये ले लेते हैं आईडी, ठीक है। आईडी भी तो ऑटोमेटिक है, इसको हटा दीजिए। हाँ इसमें हम देते हैं सीआईडी, पीआईडी, सिस्टम क्वांटिटी एंड एमआरपी, ठीक है, यही देते हैं। अब जैसे कि मैंने यहां पे मान लीजिए कि इसमें फॉर्म इसमें मैंने दिया 1 1 क्वांटिटी 25 एमआरपी एंटर। अब मैं अगर टेबल 1 में जाके देखूं तो देखिए पूरा एंट्री हो गया ना, अपने आप सारा आ गया, समझ गए। तो
तो अगर आपके टेबल में बहुत सम बड़ा चीज है और खाम एंट्री करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज समझ ये तो हो गई। अब दूसरा चीज क्या होता है कि हम इसमें क्या है कि हमें प्रोडक्ट सीआईडी को डालते समय सीआईडी का पूरा डिटेल हमें चाहिए, गया। प्रोडक्ट पीआई पूरा डिटेल चाहिए, तो कि हम वेरीफाई कर सकते, हो सकता है गलत कोड लिख दिया हो, हाँ, कौन सा कस्टमर है, कौन सा प्रोडक्ट उसकी डिटेल्स आईडी का पूरा दिया था। डिटेल्स तो इसमें है, अलग अलग शीट्स में है, तो मुझे जाकर देखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें इस टेबल वन को इन दोनों से रिलेशन करना पड़ेगा, ताकि यहाँ प्रोडक्ट कोड और कस्टमर कोड का गैप में इन दोनों से रिजल्ट मिले। उसके लिए हमें डेटाबेस टूल्स पर जाना होगा और यहाँ रिलेशनशिप में आना होगा, ठीक है। अब जो है मैंने क्या किया कि यहाँ ये देखिए कस्टमर का आईडी हमने प्रोडक्ट की आईडी से इक्वल कर दिया, इसके ऊपर उठा के रख दिया सी कस्टमर की आईडी, सी आईडी, ठीक है, एंड क्रिएट। और सेम हम इसने इसकी प्रोडक्ट की आईडी हमने पी आईडी से बराबर कर दिया, इसके ऊपर होल्ड कर दिया। यहां हमने चेक कर लिया आईडी इक्वल टू पी समझ आईडी, हमने क्रिएट कर दिया, तो हमने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, राइट। अब मैं इसको यस सेव गया। करूंगा और इस फॉर्म को वापस हम डिजाइन वापस अगर मैं फॉर्म बनाऊं या इसी फॉर्म में एडिट कर सकते, डिजाइन कर सकते, लेकिन फिर डिजाइन मोड में चला गया, ब्लैंक फॉर्म में जाते हैं, ब्लैंक फॉर्म। अब यहां से हमने क्या किया, देखिए टेबल वन में हमने उठाया सीआईडी, सीआईडी उठाया, उसके बाद हमने कस्टमर में गया और इसका नेम, ठीक है, इसका सिटी और इसका लिमिट, ठीक है। ऐसे मैंने यहां ये ऑटोमेटिक आ गया, समझ गए। ऐसे हम गया। प्रोडक्ट यहां पे हमने पीआईडी उठा के रखा और हमने यहां से प्रोडक्ट का नेम, स्टोर साइज, स्टोर एंड स्टॉक रख लिया, उसके बाद इसकी क्वांटिटी और इसका एमआरपी, ठीक है। ठीक अब हमें डेटा एंट्री करने में सहूलियत होगी, लेकिन फिर भी पंगा वही हो गया कि ये सब तो अपने आप आ रहा है ना, फिर भी मुझे इसकी एंट्री करनी पड़ रही है। तो इसको और सही से करने के लिए हमने डिजाइन मोड में चले गया, ठीक है। डिजाइन मोड में आने के बाद क्या होता है कि आप अपना फील्ड को अपने हिसाब से अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने उसको उठा के जी। हाँ यहाँ पे हमने इसको जो है पुट सी आई डी को हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पे आए और इसको हमने अनेबल को डिसेबल कर दिया, अनेबल है ना, डेटा में अनेबल को हमने नो कर दिया। तो इससे फायदा क्या होगा कि ये मेरा विजुअल रहेगा। देखिए जब मैं अच्छा वो एंट्री करूंगा, जैसे मैंने कर दिया यहाँ हाँ पे सी आई डी टू, जैसे एंटर मारूंगा तो डेटा आ जाएगा, बट मेरा कर्सर इसको डिसेबल अच्छा डिसेबल आप कर सकते हो, बराबर। अच्छा समझे। कोई कंट्रोल होता है जो कंडीशन पे शो हो, ऐसा कुछ करना हो तो क्या फॉर्म के कंडीशन अंदर कि मतलब, नहीं जी? क्या कंडीशन मतलब, कंडीशन मतलब जैसे कि ये तो आप हमारा सेल्स का बिजनेस है, कोई सर्विस टाइप का बिजनेस हो तो कोई कस्टमर का स्टेटस अभी एक्टिव है तो उसको न्यू पैकेज असाइन करने का ऑप्शन ना आए, जैसे कि वो एक्सपायर्ड हो गया तब भी ऑप्शन आए, जैसे कि कोई रूल्स है कि हम रिन्यू उसके लिए तो फिर 5 दिन। हमें क्यूरी लगाने पड़ेंगे ना, इसलिए अच्छा
दो आगे बताऊंगा आपको। ये आपने ब्लैंक फॉर्म दिखाया और साथ में फॉर्म में रिलेशनशिप के जरिए दो टेबल से कैसे डेटा ले कि आपको हर एक चीज एंट्री करने की जरूरत ना पड़े। रिलेशनशिप में इससे डिप कुछ मालूम होना चाहिए, ये बेसिक। रिलेशनशिप में यही होता है, रिलेशनशिप में क्या होता है कि आप एक टेबल पे डाली गई किसी एक यूनिक आईडी के अकॉर्डिंग किसी और टेबल से इंफॉर्मेशन ले सके, दैट कॉल रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने यहाँ सीआईडी हमारा टेबल वन पे है और कस्टमर टेबल से बाकी हम सीआईडी टू के अकॉर्डिंग उठा के डेटा ले लिया, रिलेशनशिप यही करता है। अच्छा, और एक अभी जो फॉर्म पर हम काम कर रहे हैं, तो जो फॉर्म में अभी आपने कस्टमर आईडी दो डाला और दो आईडी वाला कस्टमर दिखाई दे रहा है हमें, बरोबर। मगर हम चाहते हैं कि वो कम्बो बॉक्स में सिटी के बिहाव पर पहले कस्टमर शो हो, सिटी दिखे वहां कम्बो बॉक्स में, वो उसके तो बाद एरिया दिखे, उस एरिया के बिहाव पर कस्टमर शो हो। आपने अभी सिंपल फॉर्म डिजाइन किया है। जब डिजाइन फॉर्म में जाएंगे अच्छा, ना, तो हाँ हाँ डिजाइन फॉर्म जब क्रिएट करेंगे यहां से डिजाइन फॉर्म, तो फिर आप अपने हिसाब से अपना फील डिसाइड कर सकते हो कि आप कहाँ रखोगे, ठीक अच्छा, है ना। ये भी आपको नहीं पढ़ाया मैंने। हाँ, तो यहां से आप जैसे कि मैंने बोला कि मैं यहाँ पे सीआईडी रखूंगा, ठीक है, और मैं सीआई देख रहे इसमें अपने हिसाब से इसकी स्पेसिस को कम और ज्यादा कर सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि इसके अगेंस्ट में अगर कस्टमर से इसी कस्टमर का नेम चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि इसके यहाँ आ गया है, तो यहाँ पे आप इसको डाल दीजिए और सी नेम ऊपर आ जाएगा, समझ समझ गए। गए। अभी ये अभी नहीं बताया, ठीक है, सिटी यहाँ आ ठीक, जाएगा। डिजाइन फॉर्म ब्लैंक फॉर्म में हमें लिमिटेशन होता है कि हम इसकी सब चीज को छेड़छाड़ ना कर पाए, ऐसे यहाँ पे लिमिट। हाँ, लिमिट को कैसा, वो कंडीशन इस टाइप का ही है। अच्छा, ठीक है, कस्टमर वन किया देखा है, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आप अभी क्या करें, अभी आप जो है नॉर्मल जो है इस फॉर्म को और ब्लैंक फॉर्म को और इस तरह की रिलेशनशिप मैंने बताया उसकी प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, ठीक। हाँ, बाकी हम कल डिस्कस कल करेंगे इसमें आगे। क्या डिस्कस करने वाले सर कुछ?